राजकीय होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र मंडी में साप्ताहिक एलर्जी क्लिनिक की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर द्वारा प्रत्येक वीरवार को चलने वाले इस क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जिला उपायुक्त मंडी ने इस अवसर पर विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री का भी अनावरण किया। इस पत्रिका में एलर्जी के कारण लक्षण एवं बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई है और विभाग द्वारा मरीजों को जानकारी देने के लिए अन्य प्रकार की सामग्री भी तैयार की गई है। जिला उपायुक्त ऋत्विक ठाकुर ने कहा कि आजकल प्रदूषण एवं जीवन शैली में बदलाव के कारण एलर्जी विशेषकर श्वसन तंत्र जैसे नाक, गला, फेफड़ों तथा त्वचा संबंधी एलर्जी के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। इन बीमारियों में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर है और मरीजों को इस सुविधा का फायदा उठाना चाहिए। जी, भारत सरकार के आयुष विभाग का एक नया इनिशिएटिव जिला मंडी में भी जो हमारा आयुर्वेदा विभाग है उनके माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसका आज विधिवत तरीके से हमने शुभारंभ किया। और ये इनिशिएटिव है हमारे एलर्जीज को लेकर कि होम्योपैथी और जो आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ये एलर्जी के लिए स्पेशल ओपीडी लगाई जाएगी। जिनको भी जो भी एलर्जिक अलग अलग सीजन की एलर्जीज है, कोई और एलर्जीज है, उसके साथ वो आ सकते हैं। इसके लिए वीरवार का दिन चिन्हित किया गया है और सुबह से लेकर शाम तक जो ओपीडी चलेगी वो स्पेशली एलर्जीज के लिए ओपीडी चलेगी। और ये नया इनिशिएटिव है, हर वीरवार को ये जो यहाँ पर जिला मुख्यालय में हॉस्पिटल है वहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है वो लागू किया जा रहा है। मैं इसके लिए आयुर्वेदा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए। और सारे लोगों से अपील करता हूँ कि वे अगर कोई एलर्जी से पीड़ित है तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए हर वीरवार को आयुर्वेदा हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल कैंप जो उनके लिए लगाया जाएगा और एक विस्तृत व्यवस्था की गई है जिसमें कि हर पेशेंट की हिस्ट्री नोट की जाएगी, हिस्ट्री के पूरा डिटेल्स जो है वो आयुर्वेदा विभाग के पास रहेगा ताकि उनके फर्दर अगर कोई फॉलोअप हो, कोई और चीज़ें हो तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, पूरा डेटा इनके पास तैयार रहेगा ताकि अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट जो है उनको दी जाएगी। साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की जाएगी, दी जाएगी, वो सारी जो है वो निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर उपनिदेशक आयुष मंडी जोन डॉक्टर तेजस्वी विजय आजाद ने परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजना के प्रथम चरण में सभी मरीजों को पंजीकृत करने के पश्चात उनका रिकॉर्ड स्वास्थ्य केंद्र में ही रखा जाएगा, जिसके लिए 9 पृष्ठ की रोगी रिकॉर्ड पुस्तिका बनाई गई है जिसमें उनकी समस्या की विस्तृत जानकारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवाएं सभी प्रकार की एलर्जी तथा खाद्य पदार्थों से होने वाली एलर्जी में फायदेमंद होती हैं और इन दवाओं से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। उन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों से आभार किया है। जी सर, डॉक्टर तेजस्वी विजय आजाद, डिप्टी डॉक्टर आयुष विभाग मंडी जोन। आज हमने डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हैं मंडी, इनके माध्यम से आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल आयुष मिशन के द्वारा जो एलर्जी क्लिनिक का एक, क्योंकि जो स्पेशल क्लिनिक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग होम्योपैथिक में, उसका आज शुभारंभ किया गया। कल क्योंकि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है तो इसी उपलक्ष्य पे जो है आज डीसी साहब ने इसका शुभारंभ किया है और जितना भी अवेयरनेस प्लस जो क्लिनिक होगा ये हर वीरवार को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा और ये हमारे जो ज़िला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ मंडी में, उसमें होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर है, उसमें हमारे सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर आशुतोष, ये पेशेंट्स को जो है देखेंगे और ये इसमें जो है जितने भी एलर्जिक, जिस तरह की भी एलर्जी, सारे एलर्जिक पेशेंट्स को उनकी एक हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, एक बुकलेट है उसमें सारी उनकी हिस्ट्री ली जाएगी और उनका कहाँ ट्रिगर रहा है, कब उनसे एलर्जी उनको स्टार्ट हुई है, वो पूरा फाइंड आउट किया जाएगा। क्योंकि स्पेशल क्लिनिक है तो इसलिए पर्टिकुलर जो पेशेंट जितने भी एलर्जी के वो इसी दिन में देखे जाएंगे। तो हमारा विभाग की तरफ से ये सबसे आग्रह है कि इसकी जो है इसका फ़ायदा उठाएँ और इसमें निःशुल्क जो है मेडिसिन जो है वो यहीं से विभाग द्वारा दी जाएगी और जितने भी
एलर्जी किसी भी तरह की एलर्जी, आई मीन वो फूड रिलेटेड हो, वो डस्ट से हो, परफ्यूम से हो, कोई और भी जिस तरह का भी है, पॉलन से हो, तो वो सारे पेशेंट देखे जाएंगे मेरे साथ। भाई अभी हमने क्योंकि आइडेंटिफाई इसलिए नहीं हुए हैं, जैसे ये स्टार्ट क्लिनिक होगा, बृहस्पतिवार से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास पेशेंट आते जाएंगे, तो देन वी विल आइडेंटिफाई कि उनका एलर्जेंस क्या है और अकॉर्डिंगली जो है देखेंगे।